Hey guys, welcome to the canteen and welcome to this very special class on legal aptitude practice questions. How are you guys doing? Kaise ho aap sab log? Welcome to the class, guys, and a very warm welcome to this very special class of Unacademy. How are you guys doing? Kaise ho aap sab log? Rishu, aapne kya share kiya hai group mein? Maine nahi dekha hai. Batao kya share kiya aapne? Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome to the class. Seems because it's a Monday, a lot lesser number of people have come to the class. Just a second. What is it but है क्या वो? All right guys, चलिए तो शुरुआत करेंगे क्लास की, है ना? अरे वाह रिशु, happy birthday रिशु. Can any all of us join in wishing रिशु a very happy birthday? अरे वाह रिशु, थैंक्स अ लॉट यार. यस, चलिए दोस्तों, तो मेरा नाम दिव्य है, मैं आपका अकेडमी क्लैट एडुकेटर हूँ. साथ ही में गाइज आप लोगों को बताना है कि देर इज अ लेवल अप बैच, फाउंडेशन बैच फॉर क्लैट एंड आईलेट 2024 एस्पिरेंट्स, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो. उसके अलावा MHCET का क्रैश कोर्स आ गया, एन अकेडमी पर लॉ विस्तारा का क्रैश कोर्स है, और एक ड्रॉपर्स बैच क्लैट 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए आ रही है, जिसका नाम है द वॉरियर्स बैच. आपको अनअकैडमी का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो आप दिव्य कुमार कर कोड का यूज कर सकते हो और आपको 10% या जो भी उस समय सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा वो मिल जाएगा. साथ ही में अगर आप मान लीजिए कि कोड नहीं लगा सकते, किसी कारण से प्लस नहीं ले सकते, तो भी आप एटलीस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, और वहां पे मैं ढेर सारा मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं. तो टेलीग्राम चैनल का पता क्या होगा? दिव्य कुमार गर्ग होगा. ये सर्च करिए टेलीग्राम पे, यू विल बी एबल टू फाइंड माय टेलीग्राम चैनल. ओके, हाय अनुषा, हाय ताऊ जी, ये आपके ऊपर है कंप्लीटली यार, लीगल एप्टीट्यूड के नोट्स बनाना है कि नहीं. ओके, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और एनी अदर हैजार्डस वर्क इज वायलेटिव ऑफ. अगर आप किसी बच्चे से जो 14 साल के से छोटा है उसको किसी फैक्ट्री, माइन या किसी हैजार्डस वर्क में एम्प्लॉय करते हो, तो वो इनमें से किन या किस राइट के खिलाफ होगा? ऑलराइट दोस्तों, जागृति से लेकर के ज्योत्सना तक, वेरी वेल डन इंचारा. अभी डेली का मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि डेली. एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और एनी अदर हैजार्डस वर्क इज वायलेटिव ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन.
ये किस चीज का वॉयलेशन होगा, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन का वॉयलेशन होगा। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन क्या बोलता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, एक्सप्लॉइट यानी कि उत्पीड़ित ना किया जाए, मतलब कि किसी इंसान का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, है ना। अब अगर आप छोटे बच्चों को किसी फैक्ट्री माइन या हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में डाल देते तो उससे क्या होता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है। और आखिर बच्चों को क्यों डाला जाता है, तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल मिलता है हमको शिवा काशी की, पटाखा इंडस्ट्री। अगर आपने कभी भी कोई क्रेकर फोड़ा होगा तो उसके पैकेट पे आप देखोगे कि वो हमेशा एक तमिलनाडु में जगह है शिवा काशी, वहां पे बनता है, ठीक है। अब वो शिवा काशी में जब बनता है तो शिवा काशी में पहले देखा जाता था कि कई सारे बच्चों को एम्प्लॉय करते थे, है ना, दे यूज टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को क्यों एम्प्लॉय करते थे, क्योंकि उनकी उंगलियां पतली होती थी तो वो जो पटाखे की चीजें होती है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से रोल कर पाते थे, विच वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ एडल्ट पीपल। सेकेंडली, माइंस में भी पहले ये होता था, जब ये लॉ नहीं बना था, ये लॉ फॉलो नहीं होता था, कि बच्चों को माइन में भेज दिया जाता। अब आप पूछोगे कि यार बच्चों को माइन में क्यों भेजा जाता था, बच्चों को माइन में इसलिए भेजा जाता था ताकि क्या हो कि कई सारी जगह ऐसी होती है जो छोटी छोटी होती है, ज्यादा बड़ा गड्ढा नहीं होता है, तो वहां पे कोई एडल्ट नहीं जा सकता, लेकिन बच्चे जा सकते। और बच्चे अगर माइन में चले जाते थे तो वो लोग क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा डेंजर से एक्सपोज हो जाते थे। इसलिए हम एक लॉ लेकर के आए जिसमें हमने मना कर दिया कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन किसी भी तरह से अलाउड नहीं होगा। और अब बच्चों को अगर वो 14 साल से कम के हैं तो किसी भी तरह के फैक्ट्री माइन या हजारडस वर्क में एम्प्लॉय करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ है, आर्टिकल 23 के खिलाफ, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से ही। अब इसके बाद एक और लॉ आ गया विच वॉज अबाउट द विच टॉक्ड अबाउट एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पीपल बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। तो अब जो लॉ जिस तरह से स्टेट करता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के वोकेशन में नहीं डाल सकते हो आप, इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है। फिर मान लो आप अपने बच्चों से घर का काम कराते हो, खुद के घर का, है ना, तो आप ही के बच्चे, आप उनसे बोल देते हो घर पे कि थोड़ा झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, वो ठीक बात है, अच्छी बात है। या फिर आपकी खुद की दुकान है, मान लो एक श्रेया है यहाँ पे, श्रेया की चाय की दुकान है ना, और श्रेया का बेटा है कोई, श्रेया अगर उससे काम करवाती है उसकी चाय की दुकान पे आफ्टर स्कूल आवर्स, पार्ट टाइम ऐसे 1-2 घंटे के लिए, तो वो भी यहाँ पर चल जाता है। लेकिन आप उसको किसी और के पास एम्प्लॉय नहीं कर सकते अगर वो 14 साल से कम है, क्योंकि हमारा कानून क्या बोलता है, 6 to 14 ईयर्स को राइट टू एजुकेशन मिला है। अगर वो कहीं पे एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे तो उनका राइट टू एजुकेशन वायलेट हो जाएगा, क्योंकि आप एक समय पे एक ही काम कर सकते हो, राइट। आगे समझ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। चलो, तो आप तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलो, इसको 100% लोगों ने सही करा, वेरी नाइस। साउदी, जयश्री, पलक, आयुष, सिंचे।
योजना, जागृति, अनुषा, मानस, दुर्विश, वेरी वेल डन, तो स्वच्छ भारत की गाड़ी आई है, 2 मिनट में चली जाएगी। यस, व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट अदर एक्सप्लेनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड हजारिटस एम्प्लॉयमेंट। अगर आप बच्चों को किसी भी तरह के हजारिटस इंडस्ट्री में एम्प्लॉय करते हो तो दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है, उसको हम अलाउ नहीं करते। भैया अगर कोई स्कूल आर्ट्स के बाद पूरे दिन काम करेगा किसी चाइल्ड से तो विल इट बी वायलेशन ऑफ राइट? हाँ, अगर देखो दुर्विश डिपेंड करेगा कि आप खुद के बीच में काम करवा रहे हो क्या, है ना, खुद के उसमें काम करवा रहे हो तो इट विल नॉट बी वायलेशन ऑफ राइट, क्योंकि फिर वहाँ पे आप मेजर नहीं कर सकते कि यार 2 बजे स्कूल जाके 2 से 10 काम कर रहा है, इट्स नॉट मेजरेबल उतना आसानी से, ठीक है। वैसे आइडिया ये कि पार्ट टाइम आप उससे मदद ले सकते हो, ही कैन बी हेल्पर, ही कैन नॉट बी अनएम्प्लॉयड पर्सन, तो दैट That's what the law says. But इतना ग्रे एरिया होता है लॉ में कि यू कैन नॉट डिटरमाइन कि कौन सी कब पार्ट टाइम जॉब खत्म होता है, कब फुल टाइम जॉब शुरू हो जाता है ना, तो वो समझ में नहीं आता। The right against exploitation prohibits what all things? सही आंसर है ना, ताऊजी से लेकर के हिमचैन तक, वेरी वेल डन। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स इन फैक्ट्रीज, माइन एक्सेट्रा। तो ये तीनों चीजें सही। अब आपको ये चीज तो पता होगी, इन दोनों का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखो, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब होता है इंसानों की खरीद फरोख्त करना, है ना, तो ट्रैफिक का इसका क्या मतलब हो गया, ट्रेडिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। आपने देखा होगा कि कई सारी बार ऐसा पाया गया है कि बच्चों को, महिलाओं को, छोटी लड़कियों को खरीदा या बेचा जाता है फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो ही इज वायलेटिंग अ प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसके लिए शायद आप लोगों ने गजनी मूवी देखी होगी, गजनी में जो आसीन का कैरेक्टर होता है वो भी क्या होता है, शी एक्सीडेंटली फाइंड्स आउट इन अ ट्रेन दैट trafficking human being is going on, है ना, women trafficking, sex trafficking ये चल रहा है, और उसके बाद जो माफिया होता है वो उसको मरवा देता है, ठीक है। तो ये होता है trafficking human being, जब भी आप किसी को fraud, coercion, abduction, इन सब तरीकों से क्या करते हो, या तो recruit करते हो, transfer करते हो, harbor करते हो, एक जगह इकट्ठा करके रख लेते हो, store कर लेते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, trafficking human beings बोलते हैं, ठीक है, पहली चीज। Secondly, एक और चीज prohibited है और वो है बेगार। बेगार का मतलब है फोर्स्ड लेबर, पहले के जमाने में क्या होता था, जो जमींदार लोग होते थे ना वो बहुत ज्यादा रेंट अपने जो जमीन पर काम कर रहे हैं उन लोगों से चार्ज करते थे। अब उनमें से मान लो अगर किसी इंसान ने थोड़ा बहुत लोन ले लिया और वो लोन चुका नहीं पाया तो उसको फोर्स लेबर कराया जाता था, है ना, और कई सारी बार क्या होता था, लोगों को 200 साल के लिए भी लेबर रख लिया जाता था। अब 200 साल के लिए लेबर रख लिया, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि अब वो उसके पोते वो सारे लोग उस जमींदार के यहाँ काम करें, ठीक है। तो उसको क्यों कर लिया, क्योंकि मान लो उसने, मान लो 400 रुपए का लोन ले लिया और वो लौटा नहीं पा रहा है क्योंकि उसका खेत बिक गया, कुछ भी कारण रहा। अब क्योंकि 400 रुपए का लोन हो गया तो वो बोलता है कि तुम्हारी कीमत है 2 रुपए पर ही है, तो हमारे यहाँ काम करो जब तक तुम्हारे 400 रुपए पूरे नहीं, और उसे फोर्स लेबर कराया जाता है जिसमें किसी भी तरह का पेमेंट उसको नहीं दिया जाता था। इनफैक्ट कई बार तो उसको खाने पीने का पैसा बोल के बोल देते थे कि तुमको हम खिला पिला भी रहे तो 1 रुपए पर ईयर तो उसका चार्ज दिया जाता है, तो तुमको अब 400 साल काम करना पड़ेगा, तो तुम्हारे बच्चे भी इन पर काम करेंगे, ठीक है।
तो ये अलग अलग फॉर्म में दिखता था हमको, बॉन्डेज, डेट लेबर, सर्फडम, स्लेवरी का ये एक फॉर्म था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता था, हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो मना कर दिया, और ये भी बोल दिया कि इट शैल बी पनिशेबल। क्या होगा ये पनिशेबल होगा। अब एक चीज और याद रखना आप लोग, कि हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी चीज की कितनी पनिशमेंट होगी ये नहीं बताता। जैसे कि आर्टिकल 70 अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, कि अनटचेबिलिटी शैल बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि अनटचेबिलिटी में अगर आप अंडरटेक करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये पनिशमेंट स्पेसिफाई करने का काम हमने गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया था। तो इसके बाद गवर्नमेंट कई सारे कानून लेकर के आई टू गिव अफेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 23। इसमें क्या क्या था, एक था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। इससे क्या होता था, जो खरीद फरोख्त वाली बातें थी वो खत्म होने लगी। और था बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट। ठीक है, तो ये दो एक्ट हम लेकर के आए, जिससे क्या हो कि ये आर्टिकल 23 में जितनी विसंगतियां समाज में हैं वो सारी खत्म हो सके। ठीक है, क्लियर हो गया। यस, ओके। भैया अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो उस पर एक एक्ट बना देती है ना गवर्नमेंट। यस, जय श्री। यही यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, एक्ट बना दिए। द फंडामेंटल राइट दैट एम्स एट द एवोल्यूशन ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन इज राइट ऑफ वॉट। हाय श्री, जय श्री ताऊजी, जागृति, दुर्विश, मानस, पलक, अनुषा, आयुष, सिंचन एंड स्नेह, वेरी वेल डन। द फंडामेंटल राइट दैट एम्स एट द एवोल्यूशन ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन इज द राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, कौन सा ये लॉ है या कौन सा राइट है, ये है राइट टू इक्वालिटी। नाउ राइट टू इक्वालिटी इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है वो कहलाता है चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 फंडामेंटल राइट चैप्टर है। आर्टिकल 12 जहाँ बात करता है कि स्टेट क्या होगा, आर्टिकल 13 बोलता है कि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर होंगे, और कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट के डेरोगेशन में बनता है तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा। अब आर्टिकल 14 से 18 की बारी आती है, जो कि हमको राइट टू इक्वालिटी के बारे में बोलते हैं। इन आर्टिकल्स का पर्पस क्या है, इन आर्टिकल का पर्पस है कि हमारे समाज में किसी भी तरह की सोशल डिस्टिंक्शंस जो है वो खत्म हो जाए। मतलब सोसाइटली कोई इंसान बड़ा छोटा ना हो, कोई इंसान ज्यादा अच्छा ज्यादा बुरा ना हो, सब लोग समान हो, और देश और समाज सब लोगों को समान भाव से देखे। अब इसमें आर्टिकल 14 बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ की। तो ये दो कॉन्सेप्ट की बात करता है कि एक तो सारे लॉज का इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा और लॉ के सामने सब लोग इक्वल होंगे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अ यूएस कॉन्सेप्ट, इन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज अ यूके कॉन्सेप्ट। ओके,
15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। किन आधारों पे? रेस, जेंडर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारे आधारों पर आपसे किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, ये आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट, है ना, या फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो जो एजुकेशनल रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 15 से फ्लो करता है, और 16 से फ्लो करता है आपका एम्प्लॉयमेंट वाला रिजर्वेशन, वो 16 से फ्लो करता है। 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से प्रोहिबिट कर देता है, और आर्टिकल 18 बात करता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी भी तरह का टाइटल भारत में नहीं रहेगा अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री टाइटल्स, एकेडमिक डिस्टिंक्शन सच एज एडवोकेट एंड डॉक्टर, सीए एंड इंजीनियर्स, एंड ऑनर्स सच एज भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण। ठीक है, जैसे आर्टिकल 16 बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समान अधिकार दिया जाएगा, समान अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब इसमें एक सवाल आता है कई सारे लोगों का कि जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी की बात करी तो आखिर भारत में रिजर्वेशन की व्यवस्था क्यों है, है ना, कि व्हाई डू वी हैव द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन व्हेन वी स्पीक अबाउट अ कंप्लीट इक्वालिटी और इक्वल सिस्टम इन इंडिया, एंड डज नॉट रिजर्वेशन वायलेट द राइट टू इक्वालिटी। तो इसका जवाब आता है कि रिजर्वेशन इज पार्ट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है ना, what kind of equality it talks about, it does not talk about formal equality, ye formal equality ki baat nahi karta, it talks about substantive equality. ab formal equality kya karti hai? formal equality bolti hai ki sab logo ko ek saman tarike se treat kiya jayega, unke background ko, unke context ko, unke sath jo historically hua hai usko nazarandaz karke। सब्सटेंटिव इक्वालिटी ऑन द अदर हैंड ये बोलती है कि हर इंसान को उसकी जरूरत के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, और उसको ये देखा जाएगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट कैसा है, उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया है, उसके पास कितनी सोसाइटल वेल्थ है। इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब हो गया, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लो कि एक घर में एक 70 साल के बुजुर्ग इंसान है ना, 50 साल के दो लोग हैं, है ना, एक महिला एक पुरुष, उनके 3 बच्चे हैं, एक 30 साल का बड़ा हट्टा कट्टा जिम जाने वाला लड़का, है ना, काम नहीं करता है कुछ, एक 15 साल की लड़की और एक 2 साल का छोटा बच्चा। ठीक है, तो ये कितने लोगों का परिवार है? 6 लोगों का परिवार है। ठीक है, एक दादाजी है, पति पत्नी है और उनके 3 बच्चे हैं। अब आप बोलोगे कि यार इन बच्चों में तो बड़ा अंतर, एक 30 साल का एक 2 साल का, तो है, अब क्या कर सकते हैं, उनकी जिसकी जैसी इच्छा। अब यहां पर क्या हुआ कि इस घर ने लेट से 24 रोटीज बनाई, तो फॉर्मल इक्वालिटी बोलेगी कि सारे लोगों को 4-4 रोटी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या यह सही होगा? सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या बोलेगी कि नहीं, सबको 4-4 रोटी नहीं मिलनी चाहिए, सबको अलग अलग अमाउंट ऑफ रोटी मिलनी चाहिए। शायद 2 साल के बच्चे को 1 रोटी मिलेगी, 70 साल के इंसान को 2 रोटी मिलेगी, इन लोगों को शायद 4-4 रोटी मिलेगी, है ना, और ये जो 30 साल का बच्चा ये जो जिम जाता है उसको हो सकता है 7 रोटी मिल जाए, ये हो सकता है ना, और ये 15 साल की लड़की को फिर 4 रोटी मिल जाए। तो ये हर इंसान की जरूरत के हिसाब से मिलेगी, तभी तो गिव द मोर हु नीड्स मोर, बिल्कुल। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल होता है द लाइक शैल बी ट्रीटेड एज लाइक एंड इक्वल शैल बी ट्रीटेड एज इक्वली, तो जो लोग आपस में इक्वल होंगे उनको इक्वली ट्रीट करेंगे। हाँ, क्योंकि आयुष 2 रोटी हमने गाय की अलग रख ली है और एक नीचे की रोटी कोई नहीं खा रहा है। क्या यार आयुष, मतलब आपके घर में ये नहीं होता क्या, नीचे की रोटी नहीं खाई जाती है? सबके घर में होता है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन, किस तरह के चिल्ड्रन को राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन जो है वो प्रोहिबिट कर देते हैं।
तो ये तो बड़ा इजी होगा है ना, इस क्वेश्चन को आप कितनी बार करें मेरे को समझ नहीं आ रहा, बार बार क्यों आ रहा है ये क्वेश्चन। जय शिव, जागृति, दुर्विश, पलक, अनुषा, सिंचन, ताऊजी, सारा, ज्योत्सना एंड मानस। वेरी वेल डन, वेरी गुड गाइस। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजारेटस ऑक्यूपेशन। हजारेटस ऑक्यूपेशन में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम मना कर देते हैं कि आप लोग यहाँ पर ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते, एम्प्लॉयड नहीं कर सकते, है ना? यस। बेगार का मतलब क्या होता है? जागृति, पलक है ना, जय शिव, दुर्विश, सारा, अनुभव, अनुषा, विज्ञात, आयुष एंड सिंचय। वेरी नाइस है ना। बेगार का मतलब क्या होता है? अगर किसके घर में काव है, किसके घर में गोबर है, ये सब बातें बाद में कर लेना भैया। बेगार का मतलब होता है इनवॉलेंटरी वर्क विदाउट पेमेंट, है ना। जब कोई इंसान आपको फोर्सफुली काम करवाए और उसका आपको पेमेंट भी नहीं दे, उसको हम बोलते हैं बेगार। बेगार शब्द से ही हमारा बेगर शब्द आता है, या बेगर शब्द से इंटर्न बेगार आता है ना। बेगार मतलब बिना पेमेंट के। अगर आप वॉलंटरी वर्क विदाउट पेमेंट करते हो तो इसका मतलब क्या है? यू प्रोबेबली वर्किंग फॉर चैरिटी, एनजीओ वगैरह में काम करते हो। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो अपने घर के आसपास का जो मंदिर होता है या कोई और रिलीजियस प्लेस होती है उसमें झाड़ू वगैरह लगाते हैं खुद से, है ना। अच्छे अमीर लोग भी ये काम करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है वॉलंटरी वर्क विदाउट पेमेंट, है ना। तो ये बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि ऐसा होता है। इनवॉलेंटरी वर्क विद पेमेंट, अब ये इनवॉलेंटरी वर्क विद पेमेंट कहाँ होता है? जेल में होता है। तो जेल में जनरली क्या होता है, जब आपको सश्रम कारावास दे देते हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं, तब तो आपसे मेनुअल लेबर करवाते हैं और इवेंचुअली जब आप रिलीज हो जाते हो उसके पैसे देते हैं ना। संजय दत्त जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने 240 रुपये कमाए थे, है ना। आई एम नॉट श्योर वो 240 रुपये से उनकी वेल्थ कितनी बढ़ गई, लेकिन काम करवाते हैं और बहुत मिनिमल अमाउंट आपको जेल में दिया जाता है। वॉलेंटरी वर्क विद पेमेंट ये तो सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो वॉलेंटरी वर्क विद पेमेंट तो क्या हो रहा है, सभी लोग कर, सब हर इंसान जो जॉब कर रहा है वो वॉलेंटरी वर्क विद पेमेंट ही तो है। Which आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, क्या यार क्या क्वेश्चन आ रहे हैं।
जस्ट अ सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अन एकेडमी. जागृति पलक जयशी दुर्विश सारा अनुभव अनुषा विज्ञात काउजी एंड आयुष. वेरी वेल डन, वेरी गुड गाइस. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट. इट इज आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. व्हाई नॉट मस्ट, यहाँ पे कई बार है ना, मस्ट नो नो के साथ ना हम मस्ट यूज नहीं करते, हम शैल यूज करते हैं. अब जनरली देखना कि जब हम मस्ट यूज करते हैं तो यूज इट इन पॉजिटिव सेंस पर, एंड देयरफॉर वहां पे मस्ट होता है. यहाँ पे क्योंकि नो है इसलिए शैल है. ठीक है, आर्टिकल 24 ये आर्टिकल है. देखो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 बोथ ऑफ देम कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन. वो दोनों कलेक्टिवली राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. चलो यार ये अब क्वेश्चन नहीं कर रहे, वरना रिपीटेटिव हो रहा है बहुत ज्यादा. द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन डू नॉट इंक्लूड. फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन जो होती है वो क्या इंक्लूड नहीं करती है?
पलक जय शिव जागृति ताऊजी स्नेहा दुर्विश आयु सारा ज्योत्सना एंड अनुभव वेरी वेल डन. द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन डू नॉट इंक्लूड प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑलरेडी इट इज अ फंडामेंटल राइट है ना. तो अगर उसको आप वॉयलेट करोगे तो इट विल बी एनफोर्सिबल. अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ी चीजें हम समझते हैं. जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट चल रही थी तब एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे के एम मुंशी, जिनके बारे में मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों से बात करी थी है ना. ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स को एंटरटेन कर रहे हो तो ये जरूरी है कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज भी यहाँ पे रखें. लेकिन उस समय की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या सोचा कि अगर फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी रख दी जाएगी तो स्टेट फंडामेंटल राइट तो रिस्पेक्ट नहीं करेगा लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज पर बहुत ज्यादा फोकस करेगा और हो सकता है कि लोगों को परेशान करना शुरू कर दे है ना. क्या कर दे स्टेट फंडामेंटल ड्यूटीज पे एक्स्ट्रा फोकस करके लोगों को परेशान करना शुरू कर दे, तो ये पॉसिबिलिटी थी. तो इसको देखते हुए इसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करा फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं रखा. उसके बाद सरकार ने 1970s में एक कमिटी बनाई जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमिटी. अब जो ये स्वर्ण सिंह कमिटी थी ना दोस्तों इसने ये डिसाइड किया कि अब भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए. तो इन्होंने टोटल 12 फंडामेंटल ड्यूटीज सेलेक्ट करी थी कि ये 12 फंडामेंटल ड्यूटीज भारत में होनी चाहिए लेकिन उनमें से सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. दो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी ऐड नहीं की गई थी, एक राइट टू सॉरी द ड्यूटी टू वोट एंड सेकेंड द ड्यूटी टू पे टैक्सेस. वोट देना और टैक्स पे करना ये हमारी लीगल ड्यूटी है लेकिन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं. तो अगर आपको इसमें से एक और इस तरह से क्वेश्चन आए ना डू नॉट इंक्लूड और उसमें हो ड्यूटी टू वोट इन एन इलेक्शन या ड्यूटी टू पे टैक्सेस तो याद रखना वो ड्यूटी नहीं है. फिर क्या हुआ स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई, सरकार ने बोला हम ये 10 ड्यूटीज को एक्सेप्ट करते हैं. और जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था यानी कि 42nd अमेंडमेंट 1976 का, इसके तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट कर दिया. फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पार्ट 4A में है. पार्ट 4 DPSP के बारे में बात करता था आर्टिकल 36 से 51 में. तो फोर्थ के बाद हमने एक पार्ट और लगा दिया 4A और उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दे दी और इसका आर्टिकल बना आर्टिकल 51A. इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने एनश्राइन कर दी. इसमें ये कहा गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी ये लीगली एनफोर्सिबल नहीं होगी बट मोरली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इसको फॉलो करेंगे. यानी कि अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा नहीं करते हो तब भी आपके ऊपर कोई कानूनन किसी भी तरह का हम पछड़ा नहीं डाल सकते. फॉर इंस्टेंस कल से अगर ये पता चले कि आपने साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप नहीं करा है आप तो अंधविश्वासी हो. आप तो अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आप गाड़ी से क्रॉस नहीं करते हो तो इसके लिए आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता कि श्रेया का गुनाह क्या है. श्रेया का गुनाह ये कि बिल्ली रास्ता काट गई थी तो इसने रास्ता बदल लिया, इसने 1 किलोमीटर ज्यादा लंबा रास्ता तय करा और पेट्रोल जो है पेट्रोल ज्यादा खर्च कर दिया तो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन कर रही थी है ना. साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, एक साइंटिफिक आउटलुक चीजों को देखने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसको साइंटिफिक टेम्पर बोलते हैं. कि अंधविश्वासी हम नहीं बनेंगे, हम फालतू की चीजों में विश्वास नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसी चीजों के में विश्वास करेंगे जिनके पीछे साइंस है. ठीक है चलिए. तो अब इनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि स्टेट आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है आपको सजा दे सकता है. लेकिन ओवर टाइम ऐसा देखा गया कि कई बार हमने ये देखा कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने एनश्राइन कर दिया और लीगल एनेक्टमेंट उनकी कर दी. जैसे कि एक आप तीसरी वाली ये देखोगे कि सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी. अब सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी तो है ही, हमारी लीगल ड्यूटी भी है. यानी कि अगर कल से आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी को आप सेफ गार्ड नहीं कर रहे हो और अगर आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो फिर क्या होगा, आपको सजा दी जा सकती है. तो हमारे पास मॉन्यूमेंट्स की एक्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको देखता है. और अगर आपने किसी मॉन्यूमेंट में जाकर के आई लव पूजा आई लव राशि इस तरह की फालतू की बातें लिख दी है ना तो पुलिस भी आपसे प्यार कर बैठेगी, आपको अपने घर पे रख लेगी. मतलब उनका घर जो होता है जेल होता है, खाना आना आपको अपने हाथ से खिलाएगी है ना और आपकी जबरदस्त वाली अच्छी वाली मालिश और मसाज भी करेगी. तो पुलिस को बड़ा प्यार होता है ऐसे लोगों से. तो अब यहाँ पर एक चीज समझना कि सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी ड्यूटी नहीं है. यानी कि आप मान लीजिए एक जगह खड़े हो और कोई इंसान इस तरह की हरकत कर रहा है ना, वो आई लव पूजा वगैरह कुछ लिख रहा है,
तो ऐसे क्या होगा, ऐसे में आप अगर उसको रोकते नहीं हो तो आप कोई लॉ वायलेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप खुद से डिस्ट्रॉय कर रहे हो प्रॉपर्टी को तो आप लॉ वायलेट कर रहे हो। तो सेफ गार्ड करना आपकी लीगल ड्यूटी नहीं है, मोरल ड्यूटी, ठीक है। और अगर आपने सेफ गार्ड नहीं करा तो आप पे कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगेन अंडरस्टैंड, सेफ गार्डिंग इज नॉट अ ड्यूटी, बट नॉट हार्मिंग इट इज अ ड्यूटी। आप खुद से सेफ गार्ड नहीं कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन हार्म नहीं मत करना यार, है ना, इसको उसके नेचर को चेंज मत करना। ओके ठीक है, यस ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज क्या होती है कि प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी। प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी में भी क्या होता है कि आप चलो कल से, कम्युनल हार्मनी का मतलब होता है अलग अलग धर्मों में भाईचारा, है ना, कि धार्मिक लोगों में किसी भी तरह की अड़चन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ये सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, सब लोग एक साथ। अब ऐसे में अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हो कि सब जाकर के लोगों को नहीं बोल रहे हो, अरे हिंदू भाई आ जाओ गले मिल लो, अरे मुस्लिम भाई आ जाओ ईद मुबारक, नहीं कर रहे हो, चलेगा कोई बात नहीं। लेकिन यार दोनों में द्वेष भी नहीं फैला सकते। इसका क्या मतलब होता है, यू कैन नॉट प्रमोट एनमिटी बिटवीन द कम्युनिटीज। अगर आपका कोई भी ऐसा बयान है, कोई भी ऐसा मैसेज है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, पोस्ट है, जो दो रिलीजन में एनमिटी फैलाती है, तो अगेन आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग ये बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो वेग है और किसी काम की नहीं, तो इन्हें हटा देना चाहिए। इनफैक्ट कई सारे लोगों को लग रहा था 1978 में एक अमेंडमेंट आया था, 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट ने क्या करा, जो चीजें 76th अमेंडमेंट ने करी थी ना, उसको लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया, उसमें कई सारी चीजें हुई, और उनमें से कई सारी चीजों को हमारे 44th अमेंडमेंट ने पूरी तरह से खत्म कर दी। जब इसको पूरी तरह से खत्म करा गया है दोस्तों, तो ये कहा गया और ये सोचा गया कि शायद फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को भी खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को खत्म नहीं किया गया। इनफैक्ट हमने 1 2002 में एक 11वीं ड्यूटी भी ऐड कर दी। और ये 11वीं ड्यूटी क्या थी, ये 11वीं ड्यूटी थी कि माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। तो 6 to 14 years के बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, ये भी माता पिता की फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया पूरा आपको चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज वाला? का भैया, अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी वॉयलेट करता है तो उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा ना? बिल्कुल किया जाएगा प्रोसिक्यूट, है ना। अगर कोई इंसान फंडामेंटल ड्यूटी को वॉयलेट करता है तो उसको बिल्कुल प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं, ठीक है। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार कम्स अंडर व्हाट? जो प्रोहिबिशन होता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, और ये जो बेगार हो, अरे यार ये वाला भी हमने कर लिया ना, मैं बार बार नहीं कर रहा। अगर कोई ऊंचाई से गिर रहा हो तो उसे बचाना, ये वो कौन सी ड्यूटी होगा? कोई ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है आपकी बचाना उसको, है ना। जनरली देयर इज नो ड्यूटी टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है। कल मेरा दोस्त मेरी नजरों से गिर गया, मैंने नहीं बचाया उसको, क्या करता, अब तो दोस्ती नहीं है हमारी। द रेफरेंस टू हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड, जो हिंदू का रेफरेंस है उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है?
नहीं, आयुष अब डेली थोड़ी होगी एक क्लास, बस अब हो गया, अब संडे वगैरह को लेकर। पलक, जयश्री, ताऊजी, जागृति, धुर्विश, आयुष, ज्योत्सना, सारा, श्रेया एंड अनुषा, ठीक है। द रेफरेंस टू हिंदूज इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड पारसीज। तो अगर हम लीगल डेफिनेशन देखें हिंदू की, तो हिंदू में बुद्धिस्ट लोगों को भी माना गया है, जैन लोगों को भी माना गया और सिख लोगों को भी माना गया। तो ऐसा माना गया है कि ये सारे रिलीजन जो है, ये अगर आप ओरिजिन में देखोगे तो इनके कई सारे लीडर्स हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे, या हिंदुइज्म से इनके कई सारे फॉलोअर्स आगे चल करके निकले, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन रिलीजन को अलग से मेंशन करने की जगह सीधे बोल दिया कि जहां जहां हिंदू मेंशन है उसमें बुद्धिस्ट लोग, जैन लोग और सिख लोग भी इंक्लूडेड माने जाएंगे, ओके। द सिख्स इन इंडिया आर परमिटेड टू कैरी कृपाण, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर दे परमिटेड टू डू सो। वेरी नाइस, वेरी गुड। नहीं ताऊ जी, एक तो ये, एक तो नॉन आइडियलिटरी हो रहा है, खैर नॉन आइडियलिटरी तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी अलग अलग पंथिक होते हैं, है ना। लेकिन इसका एक बड़ा कारण है कि उनका ओरिजिन बिल्कुल अलग हुआ है। तो जोरास्ट्रियन का ओरिजिन ईरान में हुआ है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। पलक, जयश्री, ताऊ जी, दुर्विश, आयुष, ज्योत्सना, सारा, अनुषा, वैष्णवी एंड श्रेया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देखो सिख धर्म में पांच क दिए गए हैं। देर आर फाइव केज ऑफ सिख धर्म, ठीक है। ये क्या हो गया? कंघा, केश, कृपाण, ठीक है, अच्छा, और एक और किसी को याद है क्या? कंघा, केश, कृपाण, कड़ा, ठीक। यस। तो ये माना जाता है कि सिख धर्म में जितने लोग हैं उनको ये पांच चीजें करनी होगी तभी आप सिख माने जाओगे। तो ये सारी चीजें किसमें लिखी है? गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। और इसलिए एक सिख इंसान को कृपाण लेकर के चलने की आजादी है, वो चाहे कहीं पर भी जाए, है ना। तो पब्लिक प्लेस में भी कृपाण लेकर के चला जा सकता है। अब इसमें एक सवाल आता है कि क्या मैं कल से, जैसे कि जब हिजाब विवाद आया तो मुस्लिम धर्म के कई सारे लोगों ने आर्ग्यू करा कि जिस तरह से सिख लोगों को कृपाण रखने की आजादी है, वैसे ही मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की आजादी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक टेस्ट लगाते हैं, विच इज नोन एज द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। इस टेस्ट को कई बार क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन वो ये पूछता है कि हिजाब पहनना या कृपाण रखना आपके रिलीजन का असेंशियल कैरेक्टर है क्या? और यहां पर ये पता चलता है कि कृपाण रखना सिख धर्म का असेंशियल कैरेक्टर है, क्योंकि वो पांच रिक्वायरमेंट है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है कि अगर आप सिख हो तो आप ये पांच रिक्वायरमेंट पूरी करो। ऑन द अदर हैंड, हिजाब के बारे में ऐसी कोई बात कुरान शरीफ में नहीं लिखी गई कि आप मुस्लिम महिला तभी माने जाओगे जब आप इस तरह से कुछ चीज कर रहे हो, तो ये सब चीजें तो लिखी नहीं है। और क्योंकि हिजाब के बारे में ये चीज नहीं लिखी गई है, इसलिए वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में फॉल नहीं करता है, ठीक है। तो ये हिजाब में इसका आंसर मिलता है। लेकिन क्या कल से मैं अपना कोई रिलीजन बना सकता हूँ और उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि यार गन रखना हमारे यहाँ जरूरी होगा, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ये देखना होगा कि हिस्टोरिकल उसके ओरिजिन क्या है। अब सिख धर्म के लोगों का हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या है कि कृपाण क्यों जरूरी हो गया था? क्योंकि एक समय था जब सिख लोगों पर मुगलों की रेड पड़ा करती थी, और उस समय सिख धर्म वॉज अ वेरी मिलिट्रिस्टिक रिलीजन, जहां पे हर इंसान को सेल्फ डिफेंस और प्रोटेक्शन सिखाया जाता था।
और इसलिए उसके बाद जब तक हथियार नहीं होगा वो अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को, अपने पिंड को, अपने गांव को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसलिए उनको ये बोल दिया गया कि कृपाण आप रख सकते हो। कृपाण का मतलब होता है चाकू या तलवार, ठीक है। अब यहां तक है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि कृपाण जो है सिख धर्म के एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है, और इसलिए अगर वो कहीं भी कृपाण रख करके ले जाते हैं तो उनको वहां से रोका नहीं जाएगा कि उनके पास कोई डेंजरस चीज है। यानी कि आप स्कूल में, कॉलेज में, एयरपोर्ट में, कहीं पर भी कृपाण ले जा सकते हैं। जनरली एयरपोर्ट में ना कुछ भी चीज अलाउड नहीं होती। इनफैक्ट अगर आपका कंघा भी बहुत ज्यादा नुकीला होता है तो उसको भी अलाउ नहीं किया जाता है एयरपोर्ट में। कई बार आपने वो हैंड मसाजर देखे होंगे जिसमें बहुत ऐसे दांत होते हैं, टेंटेकल्स होते हैं, है ना। तो ये हेड मसाजर आपने देखे होंगे, उसको इस तरह से लगाया जाता है, वो भी एयरपोर्ट पे कई बार अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि वो शार्प है और उससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन एयरपोर्ट पे भी सिख लोगों को कृपाण रखने की आजादी दी जाती है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे इंडिया की आर्म्स एक्ट है उसको भी हमने 2011 में अमेंड कर दिया। तो आर्म्स एक्ट कानून एक 1959 था, जो कि क्या बोलता है, जो कि ये बोलता है कि पब्लिकली आप कोई भी वेपन कैरी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई इंसान पब्लिकली वेपन कैरी करता है तो उससे ये हो सकता है कि दुनिया में बाकी लोग जो है, सोसाइटी में जितने लोग हैं उनको डर लगने लगे, उनके पीस डिस्टर्ब हो जाए। अब आर्म्स एक्ट टीवी बात करता है कि लोग लाइसेंस ले सकते हैं, तो 21 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति लाइसेंस ले सकता है, गन का लाइसेंस ले सकता है अगर उसको गन वगैरह चलानी और हैंडल करनी आती, ठीक है। तो ये आर्म्स एक्ट बोलता है। अब यार ये जो आर्म्स एक्ट है ना, इसको भी हमने अमेंड कर दिया था 2011 में, और इसमें क्या बोल दिया था कि कृपाण रखना तो अलाउड हो जाएगा। कृपाण रखना तो क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज की गई, क्योंकि कृपाण से किसी के ऊपर नुकसान हो सकता था। यथार्थ आपका क्वेश्चन आप प्लीज क्वेश्चन टाइम में डाल दो, अभी मैं आंसर कर देता हूँ इमीडिएटली, क्योंकि आपको 2-3 दिन हो गए क्वेश्चन पूछते हुए। तो आर्म्स एक्ट में एक छोटा सा बदलाव ये भी किया गया कि जो एक स्टैंडर्ड ब्लेड होती है ना, आप लोगों ने ब्लेड देखी होगी, इस तरह से ब्लेड होती है जिसे आप दाढ़ी वगैरह बनाते हो, अगर आप लोगों की दाढ़ी आने लगी है तो, है ना। तो कई सारे बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है पहली बार जब वो दाढ़ी काटते हैं, उनकी दाढ़ी आने लगती है, तो अच्छा नाइस एक्सपीरियंस फॉर अ लॉट ऑफ बॉयज। तो ये जो ब्लेड होती है, हमने बोला है कि एक सिख व्यक्ति कृपाण तो रख सकता है, बट उसकी कृपाण की जो लेंथ होगी, है ना, वो एक स्टैंडर्ड ब्लेड से कम होगी ताकि वो ज्यादा किसी को डेंजर ना कर सके, पहली चीज। और सेकेंडली क्या होगा, वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं होगी। और थर्डली क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी इनसाइड क्लोथिंग, वो हमेशा अपने कपड़े के बाहर रखेंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि उसको कपड़े के कपड़ों के अंदर रखोगे, कपड़ों के बाहर नहीं रख सकते ताकि किसी को बहुत विजिबली दिखे, और विजिबली दिखने के कारण किसी को उससे क्या हो, डर लगने लगे, ठीक है। आगे समझ में, अच्छा। और इनफैक्ट आपको ये जानकर के बड़ी आश्चर्यचकित होगा कि ये प्रोटेक्शन इंडिया में नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो है वो यूके में भी बहुत बड़ी संख्या में, कैनेडा में बड़ी बहुत संख्या में, तो इन्होंने वहां पर भी गवर्नमेंट को कन्विंस कर दिया और वहां पर भी अब उनको कृपाण रखने की आजादी है, ठीक है। तो द सिक्स आर परमिटेड टू कैरी कृपाण इवन इन यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का मुझे नहीं पता है, मुझे कनाडा और यूके का पता है, आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रेस रेशियल क्राइम्स भी बहुत देखे गए सिखों के खिलाफ, तो सिखों की ना? ओके, ओके। विज्ञान पूछ रहा है, अच्छा पहले दुर्विश का क्वेश्चन आया था, भैया इसमें एक्सेप्शन होंगे फॉर सिक्योरिटी सर्विस टू कैरी वेपन इन पब्लिक। हाँ ऑब्वियसली दुर्विश, जो सिक्योरिटी सर्विस होंगे उनको हमेशा, उनको तो परमिट किया जाता है, जैसे कि पुलिस हो गया, सीआरपीएफ हो गया, कमांडो हो गया, अमृतपाल हो गया, इन सब लोगों को तो परमिट किया गया ना सरकार की तरफ, सॉरी अमृतपाल नहीं, वो कमले के पीछे, है ना, इन लोगों को तो हमने परमिट किया है क्योंकि इनके लिए जरूरी है, ठीक है। कृपाण रखते क्यों है, शिवानी सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, इसका हिस्टोरिकल रीजन है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अनुषा, आइडियली यस, यू शुड आल्सो डू मुस्लिम लॉ एटलीस्ट सम पार्ट्स ऑफ इट, ठीक है। देखिए जैसे अभी खालिस्तानी मुद्दा उठा है, तो सर अगर कल को कोई एयरप्लेन हाईजेक कर लेते,
तो विद्या जनरली क्या होता है, जो कृपाण होती है ना, जो सिख लोग कैरी करते हैं, तो आप ये मान के चलो कि 90% सिख लोग अब कृपाण कैरी नहीं करते है ना। जैसे कि अब ये देखते हो आपकी नई जनरेशन जो सिख लोगों की आ रही है, वो पगड़ी भी बहुत कम लोग पहनते हैं, तो केश वाली चीज भी फॉलो कम लोग करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अब चीजें बदल गई हैं, तो ये चीजें तो होती थी। जैसे कि मुस्लिम धर्म में बोला जाता है कि 5 बार आपको नमाज अदा करनी है, लेकिन नहीं होता है जनरली, है ना। रमजान में भी कई बार मुस्लिम लोग नहीं कर पाते, नई जनरेशन जो होती है। तो उस तरह से कई सारे बच्चे जो है अब नए सिख धर्म के, वो केश नहीं कर रहे हैं, बड़े तो केश नहीं कर रहे, तो कंघा भी नहीं रख रहे। तो द ओनली थिंग दैट दे आर फॉलोइंग इज कच्चा एंड कड़ा। कच्चा तो पूरी दुनिया फॉलो करती है, लेकिन एक सिख धर्म का व्यक्ति देखना, हमेशा कड़ा उसके पास हमेशा रहेगा। ही विल हैव द कड़ा ऑलवेज, हमेशा उसके पास कड़ा रहेगा। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ कड़ों को, अगर मान लो आपको 18-20 साल की उम्र में कोई कड़ा पहन लिया आपने, है ना, और जनरली क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आपकी हाइट ग्रो होती है 21 तक, 21-22 तक कुछ बच्चों की हाइट ग्रो होती है, कुछ की 18 में रुक जाती है। उसके बाद आप देखते हो कि सडनली आपकी बॉडी ब्रॉड होने लगती है। एक 18 साल के बच्चे की जिसकी हाइट 5.5 फीट है, और एक बड़े बच्चे की 25 साल की जिसकी हाइट 5.5 फीट है, उसमें डिफरेंस कैसे आता है, ब्रॉडनिंग ऑफ द बॉडी से आता है। तो आपके हाथ भी मोटे होने लगते हैं। तो कई सारे सिख लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि जो उन्होंने कड़ा बचपन में पहना था, वो निकल नहीं रहा, क्योंकि उनका हाथ बड़ा हो गया है ना। हाथ बड़ा हो गया तो देर इज ओनली वन वे, दे कैन रिमूव द कड़ा, एंड दैट इज बाय मेल्टिंग इट। उसको स्मेल्ट करना पड़ेगा और तभी वो कड़ा निकल पाता है। तो ये भी होता है कि कड़ा इज फॉर लाइफ फॉर अ लॉट ऑफ सिख पीपल, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, फिर हम क्लास यहीं पे एंड कर दें, क्योंकि 11 से भी एक्सीड हो गया है। तो गाइस, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। लेट्स क्रैक इट, अरे कैन बी, लेट्स क्रैक इट। आज मैंने एक लॉजिकल रीजनिंग की क्लास रखी है 4 से 6, है ना, 4 to 6 PM। आई विल बी टेकिंग अ लॉजिकल रीजनिंग मैराथन, प्लीज डू कम इन दैट क्लास। उसके अलावा 10:30 बजे मिशन है, तो उसमें आपको आ नहीं। यस सर, क्या हिंदुओं में भी कड़ा पहनना लीगल है? आदित्य, कड़ा पहनना तो हर जगह लीगल है, कड़े से किसी को खतरा नहीं है ना। तो आप कड़ा ब्रेसलेट, फ्रेंडशिप बेल्ट, कुछ भी आप पहन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं भैया। देन ऑल्सो कुछ स्कूल्स में कड़ा अलाउड नहीं है। देखो, सिख लोगों को तो आप नहीं मना कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में तो उनका वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो जाएगा, और अगर उनका फ्रीडम ऑफ रिलीजन वायलेट करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इस बाद में देख लेना भाई। ओके, एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है शिवानी? इसका मतलब जनरली होता है ब्लैकमेल। जब आप किसी इंसान को भी बोलते हो कि आप उसके खिलाफ कोई क्राइम कर दोगे, उसको मार दोगे, पीट दोगे, या उसको कुछ ऐसी काम करोगे जिससे उसका नुकसान हो जाएगा, और उस डर के कारण आप उससे कोई काम करवाते हो जो कि वो नहीं करना चाहता है, तो उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं। तो व्हेन यू फोर्स समवन टू डू समथिंग दैट ही डज नॉट वॉन्ट टू डू, थ्रेटनिंग टू कमिट अ क्राइम अगेंस्ट हिम, दैट इज नोन एज एक्सटॉर्शन, ठीक है। स्कूल पे केस हो सकता है, टीचर जेल जा सकते हैं, और आप खुश हो सकते हैं। बिल्कुल होता है शिवानी, हर ऑफेंस जो पनिशेबल है विद मोर देन 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसके अटेम्प्ट को भी पनिशेबल करा गया है। ऑलराइट,